तो स्वागत है आप सभी का फैंटेसी पॉइंट में। और अच्छा, जो मैच कर करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है जे लीग फुटबॉल मैच को कवर करने जा रहे हैं, जो यहाँ पर TSU वर्सेस OSK के बीच में मैच होगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से तक जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो ये। सिंपली चलते हैं यहाँ पर मैच डिटेल्स की तरफ, एंड उसके बाद आपको टीम बनाकर दिखाएंगे इस मैच की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, यहाँ पर दोनों ही टीम्स की, तो कुछ इस प्रकार से रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारे लोग के जो है मैसेज आते हैं कि भाई ये सब जो लीग्स होती है, ये जापानीज लीग्स होती है, उसमें हमें जो है लाइनअप का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अगर हमें पहले से मिल जाए तो अपनी टीम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ इसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी टीम क्रिएट करने में। काफ़ी कह जाए तो 60 से 70 प्रतिशत ये कन्फर्म्ड है। बाकी कह जाए 2 से 3 प्लेयर चेंजेस हो सकते हैं इस वाले लाइनअप में, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है, हम अब यहाँ पर दोनों टीम्स की जो है की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिससे आपकी टीम काफ़ी अच्छी बना सकते हो और काफ़ी बेहतरीन बना सकते हो, अगर आपको ये सब बातें पता जो है पता रहा तो। बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की, यहाँ पर शेगन तोजू की बात कर लेते हैं। नाम बहुत अजीब है, अगर गलत सही लूँ तो यार प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नाम बहुत अजीब है। सिंपली बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर डैची हयाशी की बात कर लेते हैं। 15 गेम्स 5 गोल, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ठीक ठाक प्लेयर है यहाँ पर। फिर से जो रहा मोरिस्टा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो 18 गेम्स में जो है 3 गोल्स किए हैं। और वही अगर बात की जाए जो है रिकी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है रिकी ने जो है 17 गेम्स में 3 गोल्स किए। तो मतलब काफ़ी, मतलब ठीक ठाक और एवरेज प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब लीग्स में आपको ऐसे ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कमाल के मतलब प्लेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा गोल किया हो। ये ऐसे ही प्लेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं गंबा और शाका की बात कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं गंबा और शाका टीम की जो है यहाँ पर की प्लेयर्स की, तो जो है तकाशी उशामी की बात कर लेते हैं। 19 गेम्स में जो है 4 गोल्स किए हैं। वही बस के कजुमा की बात की जाए दोस्तों, तो कजुमा ने जो है 18 गेम्स में 4 गोल्स किए हैं। और वहीं बात की जाए एडेलमिनसन की बात की जाए, तो 16 गेम्स में 4 गोल्स किए, मतलब 4-4 का पहाड़ एकदम आराम से पढ़ के रखा है कि हमें तो 4 ही गोल मारना है यार, सेम टू सेम रखना है। तो ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं जिनको आप एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो यार सुनो ही मत, इसको करो भी, और ध्यान से करो और दिमाग से करो, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो जेल में ज़रूर जरूर ट्राई कीजिए ये सब प्लेयर्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है आप सभी के लिए, जेल और SL दोनों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है टॉप गोल स्कोरर की बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ, यहाँ पर तो जो है हयाशी हैं, जो है शगन तोजू टीम की बात की जाए तो हयाशी हैं। और फिर गंबा ओसाका की तरफ से जो है एडमिल्सन जो है बरागा बिस्पो है जिनकी बात की जाए, तो 4 गोल्स और 3 असिस्ट किए हैं। तो एडमिल्सन बराबर बिस्पो को मैं जो है टीम में रखने की कोशिश करूंगा अगर ये खेलते हैं तो आज के इस मैच में। फिलहाल थोड़े से चांसेस कम है, बट खेलेंगे तो मैं जरूर जरूर टीम में रखूंगा, अपने टीम की तरफ से टॉप गोल स्कोरर है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की, अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से जो है रीसेंट फॉर्म्स मैंने 5 मैचेस की उठाई है, जिसमें जो है शगन तोजू की बात की जाए तो जिन्होंने जो है 5 गेम्स में से जो है 1 गेम विन किया है और 3 गेम हारे हैं और 1 गेम उनका ड्रॉ रहा है। तो मतलब यार अलग ही लेवल का, मतलब यार इनका गेम है, मतलब कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा टीम से, बहुत मतलब जो है परफॉर्मेंस जो है इनकी काफ़ी मतलब गिरी हुई है। वैसे गंबा ओसाका की बात की जाए तो लगातार जो है दोस्तों यहाँ पर 4 गेम्स विन किए हैं और लास्ट गेम वो अपना 5th गेम वो हारे हैं। तो मतलब ये टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है सामने वाली टीम से। तो ज़्यादा प्लेयर्स आपको इसी टीम से जो है ट्राई करना है, क्योंकि ये टीम उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आती है। चलिए बात कर लेते सीधे हम यहाँ पर टेलीग्राम प्रिव्यू की। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट मैच का रिजल्ट रहा था, देख सकते हो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा था, फ्री मेंबर्स ने जो है कमाल की यहाँ पर धूम मचा दी थी। देख सकते हो सभी लोगों की तरफ से काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर विनिंग स्क्रीनशॉट्स आए थे, सभी लोगों ने कहा था कि भाई मज़ा आ गया, कमाल की विनिंग हुई थी और काफी अच्छी हमारी टीम जो है गई थी। आप देख सकते हो यहां पर बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट्स आई थी सभी की तरफ से, आप देख सकते हो यहां पर बहुत ज्यादा आपको स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलेगी, यहां पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स आप सभी को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी विनिंग्स करनी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फैंटेसी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर अच्छी विनिंग करनी है और ऐसी विनिंग्स करनी है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं दोस्तों सीधा चलते हैं यहाँ पर जो है हम ड्रीम इलेवन में, एंड आपको टीम बनाकर दिखाते हैं इस मैच की। तो गाइस आ चुके हैं सीधा यहाँ पर मैच सेक्शन में, चलते हैं यहाँ पर टीम वाले सेक्शन में। टीम मैंने पहले से बना रखी है, बस आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता दे रही है यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर यहाँ जो है गोलकीपर सेक्शन में आते हैं यहाँ पर, तो इनको जो है पिक कर लीजिएगा। अब आता है डिफेंडर सेक्शन में, डिफेंडर सेक्शन में जो है दोस्तों इनको पिक कर लीजिए, इनको पिक कर लीजिए। एंड नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 3 प्लेयर्स, तीनों को ही पिक कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों मिडफील्डर सेक्शन में, मिडफील्डर सेक्शन की मैं बात करूं तो ये तीनों प्लेयर्स को जो है टॉप पे ही देखने को मिल जाएगा, इनको पिक कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों एसटी सेक्शन में,
एसटी सेक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इनको पिक कर लीजिए, इनको पिक कर लीजिए। देखिए ये दोनों जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, हयाशी को आप देख सकते हो और इनसे जो है बरागा बिस्पो को देख सकते हो, ये प्लेयर्स इनको मैं ट्राई ज़रूर शुरू करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं एंड आज के इस मैच में खेलते हैं तो ज़रूर शुरू ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पर देखो एडमिल्सन जो है यहाँ पर हयाशी है, सॉरी डैची हयाशी है, नाम मिलता जुलता रहता है तो मतलब कन्फ्यूजल है थोड़ा सा। बाकी लगने पाने के बाद मैं जो है अपडेट आपको कर ही दूंगा कि प्लेयर्स को लेना है या नहीं लेना। फिलहाल आप जो है ये दोनों को पिक कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों सीधा हम टीम प्रिव्यू में। टीम प्रिव्यू की बात की जाए तो कैप्टन हमने इनको ट्राई किया और वाइस कैप्टन हमने इनको ट्राई किया, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। और इधर से बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी मतलब देखो ये जो टीम है इनकी टीम में कि मैं बात करूँ तो यार मतलब नेक्स्ट लेवल है। बाकी इनकी टीम से प्लेयर्स में काफ़ी थोड़े कम ट्राई करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो है दोस्तों आप जो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको ट्राई किया। बाकी अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो हमारी टीम है बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, इसमें चेंजेस ज़रूर शुरू हो गए तो इसी को लेकर मत चले जाइएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब सेम टू सेम वीडियो वाली टीम के साथ चले जाते हैं और बाद में हमें बोलते हैं कि भाई आपकी टीम चली नहीं, तो भाई चलेगी कैसे, आपने जो है रॉन्ग टीम जो है यहाँ पर लगाए हो क्योंकि लाइनअप आने के बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स खेलते हैं या नहीं खेलते ऐसा होता है। तो बिल्कुल आप जो है अगर आपको फाइनल टीम चाहिए और कंफर्म टीम चाहिए तो जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कंफर्म लाइनअप और फाइनल टीम देखने को मिलेगी, जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर शुरू कर दीजिएगा। बाकी मैंने आपको जीएल और एसएल पिक्स बता ही दिए जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले आज के इस मैच में, तो जो जरूर शुरू ट्राई करना, सब सुनना ही मत यार, ट्राई भी करना। 3 से 4 टीम क्रिएट करो और उन सभी प्लेयर्स को ट्राई करो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन या टीम में रख के भी ट्राई करो, ये बात को ध्यान से ध्यान रखिएगा जरूर शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे जो है वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।